हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे किस कंट्री में कितना वीजा डिले हो रहा है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो किसी रीजन से बना रहा हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो स्टूडेंट्स वीजा अप्लाई कर रहे हैं या ओवरसीज एजुकेशन लेने की इच्छा रख रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कई सारे रीजंस की वजह से उस चीज को एक मेंटल प्रेशर बना लेते हैं और सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। अभी अगर आपने देखा हो, 2 या 3 दिन पहले तो हरियाणा से एक स्टूडेंट है जिनका वीजा अगले दिन आया, लेकिन उससे एक दिन पहले उनकी डेड बॉडी मिली है और वो सुसाइड कमिट कर चुके इस रीजन से, क्योंकि वीजा में डिले हो चुका था। फ्रेंड, जब भी आप कोई भी चीज ऐसी करना चाह रहे हैं जो कि बड़ी चीज आपके लिए और काफी स्पेशल चीज है, तो उसके लिए आपको पेशेंस भी उतना ही चाहिए और उतने ही चांसेस है कि उसमें फेलियर भी आपको मिलेगा। 50% चांसेस ये रहते हैं स्टूडेंट जो इंडिया से अप्लाई करते हैं उनका, कि आपका रिफ्यूजल आएगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए रॉन्ग इनिशिएटिव्स लें या वहां पे आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। इस तरीके का कोई भी उससे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं पड़ने वाला। जब आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे अपनी एजुकेशन कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, उसके बाद में जो आप अगर रिवाइंड करेंगे अपनी लाइफ को, तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास इससे भी बेटर ऑप्शंस थे और वो हमेशा आपको लाइफ में लगता रहेगा। जैसे आपने अभी तक जो अचीव करा है, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं इससे बेटर कर सकता था या इससे काफी अच्छी चीजें भी हो सकती थी और इससे काफी खराब भी हो सकती थी। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आप जो अपनी स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए आप ओवरसीज एजुकेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि आपका वहां जाते ही मैजिकली कुछ चेंज हो जाएगा। इस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया में भी करेंगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी, आप ओवरसीज एजुकेशन में करेंगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अगर कुछ भी बड़ा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए और उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क भी चाहिए। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको उसमें सक्सेस मिल पाएगी। जहां तक वीजा डिलेज की बात है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है उनको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोविड के बाद में चीजें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है और काफी डिले जो है हर चीज के अंदर अभी भी हो रहा है। जहां तक यूके की बात है, तो प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी 2 हफ्ते पहले रिज्यूम हो गया, तो अब यूके के अंदर आपके 3 to 4 weeks में वीजा आ जाते हैं। कनाडा की जहां तक बात है, कई स्टूडेंट्स को 6 months तक वेट करना पड़ रहा है वीजा के लिए और उसकी वजह से उनके इंटेक भी मिस हो रहे हैं। पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका डिसीजन नहीं आएगा, आपका आ जाएगा। कैनेडियन एम्बेसी के पास जो बैकलॉग है, जो इतने सारे वीजा इकट्ठे उन्होंने कर रखे हैं, उसकी वजह से ये डिले चल रहा है, जो कि एक बींग एन एम्बेसी, बींग एन हाई कमीशन, बहुत ही लापरवाही हमें उसमें दिखती है कि 6 months तक आपको डिले कराने का या आपको वेट कराने का कोई भी रीजन किसी भी गवर्नमेंट के पास में नहीं होना चाहिए और वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। यहां हमें पता लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज भी अभी तक उतनी डेवलप्ड नहीं है, उनके पास वो एफिशिएंसी नहीं है जिसकी वजह से वो टाइमली चीजें डिलीवर कर सके। कई सारे न्यूज आर्टिकल्स हम देख रहे हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, सेम प्रॉब्लम आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बैकलॉग्स चल रही थी, 2 साल के लिए कंट्री को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। तो जो फीलिंग्स है लोगों की जो वहां पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उन सबको बिल्कुल इग्नोर करते हुए ये कंट्रीज काम करती है और अपने आप को पहले सेफगार्ड करती है, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है और उसकी वजह से काफी स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस में जाते हैं और काफी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आती है। सेम जहां तक बात है यूएसए की, यूएसए में भी स्लॉट्स ओपन होते हैं, 2-2, 3-3 महीने में ओपन होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्टूडेंट्स इन कंट्रीज को प्रिफर कर रहे हैं और इन कंट्रीज में एजुकेशन लेने की अपनी फर्स्ट चॉइस बच्चे रख रहे हैं। तो आप बिल्कुल वो करिए, आप अपनी प्रोसेस करिए, लेकिन टाइम जो है वो लगेगा आपको और आप पहले से ही माइंडसेट बना के रखिए कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ये मिनिमम 3 months और मैक्सिमम 1 year तक की आपकी प्रोसेस हो सकती है और उसके बावजूद भी वीजा आपका रिफ्यूज हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इंडिया के अंदर जितनी एप्लीकेशंस जा रही है उसकी 50% रिफ्यूजल्स आते हैं, ये फैक्ट है। ये कहीं से भी आप एप्लीकेशन करते हैं उससे मैटर नहीं करेगा, ये मैटर करेगा कि आपकी अपनी प्रोफाइल कैसी है, आपने काम कैसा किया है। जहां तक मेरिडियन की बात है, हमारे यूके के अंदर अभी तक 100% वीजा सक्सेस रही है और हम उन्हीं बच्चों के एप्लीकेशंस लेते हैं जो वाकई में एलिजिबल हैं उस कंट्री में जाने के लिए और जो वाकई में कर सकते हैं, जिनका वीजा इंटरव्यू भी वो क्लियर कर सकते हैं, वही बच्चे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इटली की जहां तक बात है फ्रेंड्स, तो 28,000 रुपीज का हमने चार्ज फिक्स कर दिया है, जो कि कंट्री के अंदर कोई भी कंसल्टेंसी आपको ऑफर नहीं कर सकती। सबके चार्जेस 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख तक के चार्जेस हैं, लेकिन इस सर्विस को हमने सब्सिडाइज कर दिया और ये नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए हमारी चल रही है। तो उसी की रीजन से हमने 28,000 के अंदर आपका इटली का कंप्लीट प्रोसेस रखा है। जो भी एडिशनल चार्जेस होते हैं पोस्ट
गूगल ट्रांसलेशन 1,000-2,500 रुपए वो बच्चे को बेयर करने होते हैं और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस आपको देनी होती है। हमारी जो कंप्लीट असिस्टेंस रहेगी वो आपकी 28,000 रुपीज के अंदर रहेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी मौका है कि जिसके अंदर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो आप इटली के अंदर जरूर जा सकते हैं और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसी कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।